आप तमाम दर्शकों का एक बार स्वागत करते हुए फिर से हम अभी सीएम आवास से इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि चार दिनों के बाद जो 11 लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो वर्तमान सियासत की स्थिति है राज्य में उसके लिए कैसे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने क्या मांग की है महामहिम राज्यपाल से, वो हम आपको समझाना चाहेंगे। संजय, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, इनका कहना क्या चाह रहे थे 11 विधायक? देखिए, मूल रूप से संख्या को गिनने का कोई मतलब नहीं है कि 11 है कि 41 है। दरअसल यूपीए का जो तीनों घटक दल है, यानी कि झामुमो, कांग्रेस और राजद, ये तीनों लोग सामने आए, तीनों पार्टी के लोग, विधायक बोल लीजिए, मंत्री बोल लीजिए, ये लोग आए और चार दिन के बाद खुल करके बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो पूरा सियासी संकट राज्य में जो उभरा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो अटकलें चल रही है उसमें बीजेपी का जो है अहम रोल है, और इसके अलावे राजभवन पे भी कई सारे सवाल जो है खड़े किए गए। बाकायदा ये कहा गया कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये सरकार कहीं से गलती कर रही है, और चूंकि ये आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों की सरकार है, तो आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप सीधे बर्खास्त कर दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ये जो सस्पेंस का जो खेल है, दरअसल इस सस्पेंस के भीतर इन लोगों को डर है यूपीए को, और बाकायदा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चंपाई दा को जो लोग सुन रहे होंगे, बाकायदा उन्होंने भी कहा, बन्ना गुप्ता ने कहा, और एक स्वर में जो यूपीए के जो एक तरीके से कहें कि वो जो सारे चेहरे जो यूपीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि ये जो चार दिनों का जो गैप है और जो चीजें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है बीजेपी को कि तोड़, बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग के लिए समय दिया जा रहा है। दरअसल ये चीजें हम लोग भी जब हम लोग खबर चला रहे हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट से जो बातचीत होती है या फिर जो राजनीतिक घटनाक्रम जैसे बदलते रहा है और देश में जो मौजूदा राजनीति का जो स्वरूप बदला है, तो उसमें इन लोगों की जो संभावनाएं हैं या फिर ये लोग जो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है इसके भीतर, तो उसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। नहीं, नहीं, तो एक सवाल तो फिर ये उठेगा ना कि यूपीए के विधायकों को ये लग रहा है कि हम कितने भी मजबूत हैं, बीजेपी इतना सक्षम है कि हमको तोड़ लेगी। नहीं, देखिए, ये जो राजनीति है हाल के दिनों में, ये कोई नई बात तो है नहीं कि बीजेपी कोशिश नहीं की है, और झारखंड को इकलौता प्रदेश नहीं है। इसके पहले आप मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, गोवा चले जाइए, महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई, या फिर झारखंड खुद अपने आप में सबूत है जिस तरीके से जो यहाँ पे घटना घटी है। तीन विधायक अभी भी राज्य बदर हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी, और यूपीए के ही एक विधायक यानी कि जो कांग्रेस के पार्टी असेंबल पे जीत करके आते हैं बेरमो से, अनूप सिंह ने ही FIR कराई है, और बाकायदा उसमें आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी है, जिक्र भी है। तो इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतना होने के बावजूद इनको बीजेपी पे ज्यादा विश्वास है, अपने विधायकों पे कम? नहीं, इन लोगों को ये विश्वास है। इन लोग देखिए, कल जिस तरीके से आप ये जो लतरातू जहाँ पे गए ये लोग डैम, और बकायदा एक जो पूरा यात्रा रहा इनका, लंच का एक कार्यक्रम था और उसके बाद फिर रात में ये लोग लौटे, तो दरअसल ये लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। और जो झारखंड में जो विधानसभा की जो स्थिति है, 81 सीटों की है, 41 जो आंकड़े चाहिए वो ऑलरेडी इन लोगों के पास है। सिर्फ अगर यूपीए गठबंधन की बात करें तो 30 विधायक जेएमएम का है, नहीं वो तो संख्या 50 के, हाँ 18 कांग्रेस और एक जो है। मेरा ये सवाल है, इन लोगों ने कहा कि भाई राजभवन और जो एजेंसी है वो भ्रम फैला रही है बीजेपी, निशिकांत दुबे का नाम लिया गया, चार दिनों से सरकार एक कदम नहीं चली, सुबह और शाम बैठक कर रही है, पिकनिक मना रही है, तो अगर बीजेपी को पे आरोप लगता है कि वो भ्रम फैला रहे हैं तो इन पे क्या आरोप लगता है कि आग में घी डाल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो चीज़ स्पष्ट है, वो सारे लोगों को मालूम है और देश पूरे पूरी जो देश है वो सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि झारखंड में चल क्या रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो अब तक अटकलों में जो खबरें चल रही है और उसका असर ये है कि ये लोग उस अटकलों को और बल दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा अगर आप देखेंगे कि ये जो लतरातू जाने का डिसीजन हो या फिर सीएम हाउस में लगातार अटेंडेंस बनाने को लेकर के स्थिति हो,
राज्य की जनता को दरअसल मैसेज दिया जा रहा है यूपीए की तरफ से कि भाई हम लोग काम करने के लिए आए हैं। 19 में हम लोगों को मैंडेट मिला, प्रीपोल अलायंस हुआ था, झारखंड की जनता ने इन लोगों को मैंडेट दिया और ये लोग काम कर रहे हैं। दो साल लगातार मुख्यमंत्री खुद बोलते रहे हैं कि कोरोना बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, कोरोना के दौरान जो है पहले जीवन बचाना जरूरी था तो पहले जीवन पे फोकस रहा और उसके बाद अभी हाल के दिनों में जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको आधार बना करके मुख्यमंत्री हमेशा यह बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम करने से रोका जा रहा है। तो ये जो चार दिनों की जो बात आप कर रहे हैं पिकनिक की और ये फिर जो भी चीजें हो रही है, बाकायदा इसको पब्लिक में इसी तरीके से पेश भी किया जा रहा है कि भाई हम काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमको काम करने नहीं दिया जा रहा। और आधार क्या बन रहा है? आधार वो लिफाफा बन रहा है जिसका जो आधिकारिक तौर से खुला ही नहीं है। इसका मतलब कि या तो सरकार मीडिया को फॉलो कर रही है या निशिकांत दुबे को फॉलो कर रही है। अगर कोई आधिकारिक बयान आया ही नहीं, सरकार को क्या आवश्यकता थी? और यूनाइट है तभी तो सरकार है। नहीं देखिए, भ्रम की स्थिति कहां से फैली है? 18 तारीख को ये बोल दिया गया अगस्त में कि भाई सुनवाई पूरी हो गई है। जो लोग पक्ष रख रहे थे, सीएम हेमंत सोरेन का जो पक्ष खनन पट्टे वाले मामले में मीनाक्षी अरोड़ा रख रही थी और बीजेपी के तरफ से उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को ये बोल दिया गया था कि भाई आप लोग जो भी जिरह किए हैं खास करके खनन पट्टा वाले मामले में, इससे संबंधित जो बातचीत आप लोगों ने जिरह के दौरान कही, कई सारे जजमेंट्स का हवाला दिया गया था मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से कि 9A की जो बात कही जा रही है वो तो अब जो फैसला लेना है वो दस्तावेज मंगाया गया था। नहीं, आप जो सवाल है बाबा कि क्यों, मतलब ये जो असमंजस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति इसलिए है कि 18 तारीख को बोल दिया गया कि सुनवाई पूरी हो गई, मतलब कि फैसला कभी भी आ सकता है। 18 तारीख आखिरी तारीख थी जिसपे सुनवाई का कहानी खत्म, दस्तावेज मंगाया गया था। अब उस बीच एक जो खबर आई और बकायदा हम लोग जो ये बोल रहे हैं तो दावे के साथ बोल रहे हैं, भले ही उसकी आधिकारिक सूचना जो सरकारी मुहर जिसको बोल सकते हैं नहीं लगी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई है। तो सरकार तो आधिकारिक बयान का ऐलान करेगी कि या मीडिया जो ऐलान कर देगा या खबर चला देगा उसी पे? देखिए, जैसे मीडिया के पास सूत्र होते हैं, जैसे बगैर आधिकारिक सूचना के हम लोग अगर दावे से ये बात बोल रहे हैं तो सरकार के पास अपनी एक मशीनरीज है, वो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी इस चीज का आभास है और मालूम है कि भाई विधायकी अब नहीं रही है सीएम की। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो रही है। आप ये जो विधायकों का जो अटेंडेंस हो रहा है एक तरीके से सॉइल टेस्टिंग ही है कि भाई कौन लोग हैं हमारे साथ, आंकड़ा भले ही दिख रहा है ये लोग साथ में हैं कि नहीं है। और इसी सॉइल टेस्टिंग के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जा रहा है, चाहे वो पिकनिक का मान लीजिए, बस में एक साथ घूमने को लेकर के मान लीजिए। और अब जब ये लोग दिख रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं किसी भी तरीके से जो है आपके साथ, लगातार कांग्रेस हो, आरजेडी हो और जेएमएम के वैसे लीडर्स जो कि खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के, मतलब लॉबिन दा जैसे लोग जो लगातार हेमंत सोरेन की खिलाफत में बात कर रहे थे, इस सरकार की खिलाफत में बात कर रहे थे, वो लोग भी संकट की घड़ी में जो है हेमंत सोरेन के साथ एकत्रित हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं। अब ये जब कॉन्फिडेंस चार दिनों के भीतर हेमंत सोरेन और पूरे यूपीए गठबंधन को हुआ है कि किसी भी सूरत हाल में हम लोग तो एक साथ रहेंगे, सरकार का चेहरा कौन होगा नहीं होगा, इस परिस्थिति में जब ये तय हो चुका है, अविनाश पांडे से ये जो गुप्त मीटिंग नहीं कहा जा सकता है लेकिन कमरे में जहां पे ये लोग मीटिंग कर रहे थे स्टेट गेस्ट हाउस में, वहां पे इन दोनों के अलावे कोई और नहीं था, तो आप इसको समझिए कि अब जब ये लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि चाहे अब कुछ भी हो किसी भी परिस्थिति में लोग इकट्ठे हैं, तब आकर के इन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि भाई अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि बर्खास्त कर दीजिए। बन्ना गुप्ता ने क्या कहा? मेरा सवाल ये है, का जिक्र उन्होंने किया 356 करे, ये तो टेक्निकल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाए और राजनीति कर ले, हम लोग प्रेस हमारा की बातें कर, हाँ हमारा, मेरा ये सवाल है कि सरकार को जब तक आधिकारिक बयान नहीं आया, मीडिया में खबर चलने के अनुसार से अब मांग रहे कि राजभवन दे दे चाहे हमको चुनाव आयोग दे दे, तो सरकार क्या मीडिया को फॉलो करके चलेगी भविष्य में या निशिकांत दुबे को फॉलो करके चलेगा? ये एक सवाल सरकार पे ये उठता है। दूसरी बात है कि हम इकट्ठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इकट्ठे हैं, लेकिन इस बात को अगर आप जनता के बीच बता रहे हैं कि हम हर पल आपके लिए काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने गिनाया भी कि सबके लिए पेंशन दे दिया, राशन कार्ड में बढ़ोतरी कर दी, साड़ी धोती योजना लागू कर दी, बहुत अच्छे अच्छे काम कराए, पुलिस वालों को छुट्टी दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार गिना रही। मेरा कहना ये है
कि आज इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। सरकार इकट्ठा है इसलिए सरकार चल रही है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है बाबा कि ये जो राजनीति है वो परसेप्शन से सारा कुछ चलता है और जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति है और ये पैदा क्यों ऐसा सिचुएशन हुआ झारखंड में, इसको लेकर के यूपीए ने आज स्पष्ट कर दिया बाकायदा खुल करके, जो चार दिन से जो खुल करके लोग नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पर आए और लंच कर लिए डिनर कर लिए और चल दे रहे थे, आज उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए इन सारे चीजों के पीछे बीजेपी है, कि समय दिया जा रहा बीजेपी को विधायकों को बिल्कुल ये जो एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया गया। अब जो यूपीए के जो वोटर्स हैं जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों के पास जो है ये परसेप्शन बनाने में ये लोग कामयाब होंगे, ऑलरेडी जो इनके समर्थक हैं उनके जहन में तो एक बातचीत जाएगी कि भाई देखिए हमारे लोग जिनको हम लोगों ने भेजा है यहाँ पे वो काम करना चाह रहे थे, लेकिन अब वही लोग ये बोल रहे हैं कि हमको काम कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई का एंगल दिया जा रहा है। बिल्कुल ये तो बोला गया ना इसमें, तो यहाँ पे बोला गया बन्ना गुप्ता ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और लोकतांत्रिक लड़ाई भी लड़ेंगे। जब ये बात बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि भाई आप सार्वजनिक कर दीजिए, आपको जो फैसला लेना है लीजिए, हमारे पास अपीलीय व्यवस्था है, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि कोई भी फैसला अंतिम फैसला तो है नहीं, तो राज्यपाल अगर कोई फैसला लेंगे और वो जब सार्वजनिक होगा तो यूपीए के पास तो ऑप्शन है ना मुख्यमंत्री के पास कि वो आगे वो अपील कर सकते हैं। नहीं नहीं तो राजभवन या चुनाव आयोग तो ये भी कह सकता है कि अमुक डेट फाइनल नहीं रखा गया था कि इतने तारीख तक फैसला सुना दिया जाएगा, हड़बड़ी क्यों है, हम लोग को तो अपने तरफ से नहीं कहा कि एक दिन में सुना देंगे दो दिन में सुना देंगे। उसी की लड़ाई है ना, उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। अब देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या होता है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर में। अब जब राजभवन के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है, राजभवन तो वो पॉलिटिकल सेंटर तो है नहीं, लेकिन अब अगर एक सरकार के द्वारा राजभवन के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, बन्ना गुप्ता मंत्री हैं सरकार में, हेमंत सोरेन की कैबिनेट भाई सरकार खड़ा कर रही है, तो जब सरकार खुद राजभवन पे सवाल खड़ा कर रही है तो जाहिर सी बात है कि राजभवन के तरफ से भी कोई जवाब आएगा। राजभवन के तरफ से आए चाहे नहीं आए, बीजेपी के तरफ से तो पक्का, बीजेपी तो पॉलिटिकली जो उनका चलते रहेगा वो चलेगा, लेकिन मेन जो सवाल है वो ये है कि मुख्यमंत्री आवास से सरकार ने राजभवन के ऊपर सवाल खड़ा किया, चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा किया है। एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल खड़ा किए चार दिनों के इंतजार के बाद, अब ऐसे में एक नैतिक दबाव तो बनेगा ही राजभवन के ऊपर और इसका असर हो सकता है कि कल शाम तक कई सारी चीजें सार्वजनिक हो जाए। तो कल शाम तक का इंतजार कीजिए, इस बीच जो सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए गए संवैधानिक संस्थाओं और राजभवन के ऊपर उसका भी जवाब शायद मिले, ये उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कल शाम तक ये माना जा रहा है कि कुछ और भी क्लियर होगा पिक्चर। इसके अलावा अब बीजेपी सरकार के इन आरोपों का क्या जवाब देती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।